अस्सलामुअलैकुम। आज हम इस वीडियो में अददों की चढ़ती और उतरती तरतीब सीखने वाले हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अददों की चढ़ती तरतीब और उतरती तरतीब। तो चढ़ती तरतीब यानी कि क्या, वो हम इस एक्टिविटी के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे जो 1 से 10 तक के जो अदद की तरतीब होंगी वो क्या होंगी, वो आपको सबको पता है ना। तो वो हम सबको पता है, हमारी जो अददों की चढ़ती तरतीब होंगी वो होंगी, हम उसको अभी सीखेंगे चढ़ती तरतीब। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, ये क्या है, हमारी अददों की चढ़ती तरतीब है। जो हमारे जो अदद है ये हमारी तरतीब में अदद है। 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 और 5 के बाद 6। तो ये क्या होंगी, हमारी अददों की चढ़ती तरतीब। अब उतरती तरतीब क्या होंगी, तो चलिए मैं बताती हूँ कि हमारी उतरती तरतीब क्या होगी। उतरती तरतीब में हमारा जो सबसे पहले अदद होगा वो उतर मतलब ऊपर से स्टार्ट होगा। जैसे कि अभी हमने देखा 1 से 6 तक के हमने अददों को चढ़ती तरतीब में लगाया, बराबर अभी हम उतरती तरतीब में लगाएंगे। यानी कि पहले हमारा 6 सबसे नीचे आ रहा था, लेकिन उतरती तरतीब में वही अदद सबसे ऊपर रखना होगा। उसके बाद क्या आएगा, 6 के बाद कौन सा अदद होता है, 5। उसके बाद 4, 4 के बाद कौन सा अदद होता है हमारा, 3। उसके बाद 2 और फिर 1। तो देखा आपने, ये है हमारी उतरती तरतीब। यानी कि जो हमने पहले चढ़ती तरतीब में क्या था, हमारा 1 पहले नंबर पे था, लेकिन उतरती तरतीब में हम पीछे से आते हैं उल्टे तरीके से। मतलब अभी यहाँ पे क्या हो गया, 6, 5, 4, 3, 2 और 1, तो ये हमारी उतरती तरतीब हो गई। ठीक है, एक और तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। चलिए तो मुझे बताइए ये क्या होगा। ये क्या है, ये हमारी उतरती तरतीब है। 10, 9, 8, 7, 6, 5 हमने क्या किया, अददों को उतरती तरतीब से लगाया। और इसकी ही चढ़ती तरतीब क्या होंगी, तो पहले यहाँ पे आ जाएगा 5, उसके बाद आ जाएगा 6, उसके बाद आ जाएगा 7 और उसके बाद आएगा 8 और 9, फिर हमारा लास्ट में आएगा 10। तो हमारी क्या है, चढ़ती तरतीब। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको चढ़ती और उतरती तरतीब इस एक्टिविटी के थ्रू समझ आई होंगी, इस एक्टिविटी के जरिए समझ आई होंगी। शुक्रिया।